तो स्टूडेंट्स, आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपको हमारे हमारे बायो के लेक्चर में। तो आई होप आपको कल का लेक्चर समझ आया होगा। 2 to 3 marks वाले क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 10, जिसमें हम देख रहे हैं कि माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए कि साइनोबैक्टीरिया, एक्सप्लेन हाउ साइनोबैक्टीरिया यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी पिछले कल के लेक्चर में और कुछ 2-3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बायो फर्टिलाइजर एक्चुअल में माइक्रोब्स ही होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बना देते हैं प्लांट की, और एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देते हैं, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट्स का। तो साइनोबैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइजर कैसे, आइए पढ़ें। तो साइनोबैक्टीरिया, इसका दूसरा नॉर्मल कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ये इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर है। मतलब ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। और याद है बच्चों, मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बताई थी 2 तरह की। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताई थी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली, और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताई थी फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में तो जी रूट्स में रहते हैं प्लांट की, और फ्री लिविंग में कैसे रहते हैं ये बैक्टीरिया, सॉइल में। और दोनों का काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन को के बीच का मॉलिक्यूल के जो बीच का ट्रिपल बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ना, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह कहाँ काम करते हैं, राइस की फील्ड में, यानी जितने भी चावल के खेत होते हैं उसके अंदर हम साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया चावल को नाइट्रोजन फिक्स करके देता रहता है, तोड़ के देता रहता है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक और ओलोसीरा, ठीक है, ये नाइट्रोजन ही नहीं फिक्स करके देते और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ताकि उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट और फास्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। एक तो जी नाइट्रोजन फिक्स तो करते ही करते हैं साइनोबैक्टीरिया, साथ में आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, ठीक है, ताकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस तेजी से हो। क्या करते हैं ये, 7 से 8 लाख टन नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, जो 15 से 17 लाख टन यूरिया के बराबर होता है, ठीक है। आगे, बीजीए कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ एल्गल बायोफर्टिलाइजर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एस्पेशली फॉर पेडी क्रॉप, ठीक है। तो चावलों की खेती में साइनोबैक्टीरिया एक बहुत अच्छे बायोफर्टिलाइजर की तरह कैसे काम कर रहा है। तो चावलों की खेती में ऐसे काम कर रहा है, एक तो जी ये नाइट्रोजन फिक्स करके देता है एटमोस्फेरिक, दूसरा ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी फास्ट करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट्स को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर बायो इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन फंगस। फंगस के ऊपर बेस्ड कौन कौन से बायो पेस्टिसाइड्स हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखो जी, फंगल की जो डिजीज होती है डिफरेंट इंसेक्ट से होती है, इन डिफरेंट इंटेक्स इज गेनिंग इम्पोर्टेंस एज बायो इंसेक्टिसाइड। तो ये जो फंगल डिजीजेज होती है ना बेटा, फंगस से जो बीमारियां होती हैं कभी कभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, तो ये बायो इंसेक्टिसाइड का काम करती हैं। सपोज आपके एक फील्ड में इंसेक्ट्स आए हुए हैं और वो फसल को खराब कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की फंगस डाल दोगे और वो फंगस क्या करेगी बेटा, वो फंगस प्लांट्स को तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि प्लांट रेजिस्टेंट होंगे उस फंगस से, पर वो सारे इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बन गई ना इंसेक्टिसाइड। तो बच्चों, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने वाले केमिकल है। अगर तो आप इंसेक्टिसाइड यूज करोगे तो बेटा वो हमारे लिए भी बहुत डेंजरस है। मैंने आपको बताया था डेथ भी कॉज कर सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लिया खेत में, फील्ड में। तो उसके अगेंस्ट अगर आप बायो इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हो, फंगस को यूज़ करते हो, तो वो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होती, वो पूरे बैक्टीरिया को सॉरी इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, फसल को कोई हार्म नहीं और हमें भी कोई हार्म नहीं, और ऊपर से बायोडिग्रेडेबल भी होगी, उसका जो वेस्ट बनेगा वो बायोडिग्रेडेबल भी होगा।
ठीक है आगे। सो एक बेटा बायो इंसेक्टिसाइड फंगस है जिसका नाम है बर्वेरिया बसियाना। सो बर्वेरिया बसियाना जो है बीपी भी इसको बोलते हैं। ये फंगस है जो पूरे वर्ल्ड के सोयल में आपको आसानी से मिल जाएगी और इसको आजकल बहुत अच्छे से बायो इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट आर बकुलो वायरसेस। बकुलो वायरसेस एक तरह के पैथोजन होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले वायरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज करते हैं इंसेक्ट्स में और आर्थ्रोपोड्स में। और जितने भी ये बकुलो वायरसेस हैं इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज करते हैं एजेंट्स की तरह, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। और ये वायरसेस आपको स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन शो करेंगे। सिंपल, बकुलो वायरसेस वो वायरसेस हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं इंसेक्ट्स में और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर आपके खेत में इस तरह के छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो बकुलो वायरसेस की मदद से हम इनको किल कर सकते हैं। और जी, क्योंकि ऑलरेडी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बायो, ठीक है, तो इनका जी प्लांट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, मैमल्स पे भी नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बर्ड फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर भी इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो जी ये बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। और जब हमें कुछ इंसेक्ट्स को तो किल करना है और कुछ इंसेक्ट्स को हम लोगों को मारना है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अर्थवर्म कितना यूज होता है आपको पता हमारी फील्ड में, क्योंकि जो अर्थवर्म को फील्ड में इसलिए छोड़ देते हैं ढेर सारे ताकि वो फील्ड को पोरस कर दें। तो आपको पता ना अर्थवर्म कैसे ऊपर नीचे मूव होता है। तो जब जब वो मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी में से बाहर आता है वो सारी जो फर्टाइल सॉइल है उसको ऊपर ले आता है, तो वो भी सॉइल को फर्टाइल करता है। और जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करता है अर्थवर्म, उस एक्सक्रीटा से अच्छी खाद बन जाती है, ठीक है। तो हम जो बकुलो वायरसेस यूज करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल वो अर्थवर्म को कुछ नहीं करेंगे, पर जितने टिक्स और माइट्स हैं, जो टिड्डियां हैं जो फसल को खराब करती हैं, उनको वो उनमें फंगल वायरल इन्फेक्शन डाल बीमारी डाल देंगे और सारी टिड्डियां खत्म हो जाएंगी और आपके अर्थवर्म को भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से बकुलो वायरसेस का यूज किया जा रहा है। ये वो वायरसेस हैं बेटा जो बीमारी कॉज करते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, तो इनका हम बड़े ध्यान से जुडिशली इस्तेमाल करते हैं, वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को खत्म करना है। नेक्स्ट, मेंशन द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो देखो जी, सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रिडिक्टेड नहीं होता, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे मौसम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर टू, इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल प्रोसेस है और बहुत एक्सपेंसिव है, इसको अप्लाई करना ईजी नहीं है, आपको एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपको वो देख लीजिए आगे ना अगली, बस एक्सपर्ट सुपरवाइजर चाहिए तभी ये प्रोसेस सही होगा। और इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूम फर्टिलाइज द सॉयल बट सीरियल्स डू नॉट। सिंपल सी बात है बेटा, कहता जो दालें होती हैं वो सॉइल को फर्टिलाइज कर देती हैं, पर सीरियल्स जो होते हैं जिसमें चावल हो गया, मक्का, गेहूं, ये नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना बेटा, उनकी टैप रूट सिस्टम है और उस टैप रूट सिस्टम में छोटे छोटे गोल गोल नोड्स हैं। तो सिंपल सी बात है, वहां पे रहने के लिए जगह है। तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम, वो उन नोड्स में सरवाइव करने लग जाते हैं। सो डेफिनेटली क्या होने लग जाएगा, नाइट्रोजन फिक्स होने लग जाएगी एटमोस्फेरिक, और वो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज कर देंगे, NO2 और NO3 में चेंज कर देंगे, जिसको आसानी से बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं और प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड को बेटा ग्रीन मैन्यूरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, क्योंकि
अब हम पहुंचते सीरल्स के पास। सीरल्स के पास बेटा नोड्यूलेटेड रूट सिस्टम नहीं है, उनकी रूट्स में नोड्स नहीं है, जैसे हमारी मक्की, गेहूं, बाजरा, इनकी जो रूट्स हैं वो नॉर्मल है, उनमें नोड्स नहीं है, उनमें रहने की जगह नहीं है, तो इस करके उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं रह सकते। इस करके सिरल्स कभी भी फर्टिलाइजर्स की तरह काम नहीं करते। पर दालों के पौधे फर्टिलाइजर का काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके रूट्स में हमेशा खाली जगह होती है जिसमें आसानी से अपनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आके रह सकते हैं, उनको रहने की जगह मिल जाती है, नाइट्रोजन फिक्स करके वो प्लांट को दे देते हैं और आपकी जो सॉयल है उसके भी फर्टिलिटी रेट बढ़ा देते हैं। फिर जी बायोगैस की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बच्चों, बायोगैस की कंपोजिशन बताओ क्या क्या होता है। देखो जी, मिथेन होती है 50-60%, इनफ्लेमेबल होती है, आग पकड़ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25-30%, हाइड्रोजन 1-5%, नाइट्रोजन 2-7%, ऑक्सीजन 0.1 और रेयरली हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी बीटी कॉटन किस फॉर्म में अवेलेबल और वो कैसे यूज होता है? बेटा आपको मैंने पहले बता दिया था, बैसिलस थ्रेंजेनेसिस एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके पास आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर जीन है, टॉक्सिक जीन, और जब हमने इसको कॉटन में डाल दिया है तो उससे नई स्पीशीज बनी है जी, बीटी कॉटन, जिसके ऊपर इंसेक्ट्स बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते, अगर अटैक करेंगे भी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आगे देखो जी, सो बीटी कॉटन यानी जो बैसिलस थ्रेंजेनेसिस है, ये आपको सैशेज में मिलते हैं और उनमें उनके छोटे छोटे ड्राई स्पोर होते हैं, तो आपको क्या करना है, पानी के साथ मिक्स करना है और आपको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना, फ्रूट्स के ऊपर भी आप कर सकते हो, ट्रीज पे भी कर सकते हो। क्या होगा, जब इनको इंसेक्ट लार्वा खाता है, जब इंसेक्ट्स इनको खाता है तो वो लार्वा से पहुंच जाते हैं उनके स्टमक में और वहां पे जाके जो बैसिलस थ्रेंजेनेसिस है वो एक तरह की टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली लार्वा की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से भी बैसिलस थ्रेंजेनेसिस को यूज किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड। तो इसका स्प्रे कर दिया, पानी में घोल लिया, पहले सैशे खोला, उसमें से बैसिलस थ्रेंजेनेसिस के स्पोर्स निकाले, पानी में गीला करा, उनको डिजोल्व करा, इस पानी को फसलों के ऊपर फेंक दिया, तो जब भी इंसेक्ट आके खाएगा तो ये स्पोर्स अंदर जाके जब खुलेंगे तो वो उस इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देंगे। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी में जरा देखो, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस क्या करेंगी, कैटरपिलर को भी किल कर देते हैं और बाकी इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाते। बायोगैस बनाने में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? देखो जी, मिथेनो बैक्टीरियम यानी मिथेन गैस, बैसिलस, सेलुलोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, यू बैक्टीरियम, रोमिनोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया जो बेटा यूज होते हैं बायोगैस बनाने में। सो बच्चों, आज का लेक्चर खत्म हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज आज के क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लेना, आज मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे हैं। सो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।